आपस में भिड़े सिंधिया और केपी यादव, भाजपा की बढ़ाई मुश्किलें, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बता दें शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी शुरू होने की बात को लेकर श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है। एक बार फिर से केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने वाले सांसद डॉक्टर केपी यादव आमने सामने आ गए हैं। सिंधिया का कहना है कि उनके निवेदन पर यह स्वीकृति मिली है, तो वही यादव इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। दरअसल पहले भी कई मामलों में दोनों एक दूसरे के सामने श्रेय को लेकर खड़े दिखे थे। वही टाइगर सफारी की स्वीकृति मिलने के बाद दोनों नेताओं ने अपने अपने दावे किए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे अनुरोध पर केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा शिवपुरी माधव नेशनल पार्क को टाइगर सफारी की सौगात दिए जाने पर शिवपुरी जिले के नागरिकों की ओर से आभार। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि भविष्य में माधव नेशनल पार्क में पर्यटन में भी वृद्धि होगी। वही सांसद केपी यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, शिवपुरी को जल्द ही टाइगर सफारी की सौगात मिलेगी, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। टाइगर सफारी की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद। आपको बता दें माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी को लेकर केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई केंद्र स्तरीय बैठक में माधव नेशनल पार्क की ओर से दिए प्रस्तुतीकरण को देखने के बाद केंद्र ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर हेतु अनुकूल व उपयुक्त माना है। अब यहाँ से राष्ट्रीय वन उद्यान का स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करने पन्ना जाएगा। टाइगर आने के साथ शहर के पर्यटन की दिशा में बड़ा बदलाव होगा। एक बार फिर पर्यटक शिवपुरी की ओर रुख करेंगे और यहाँ रोजगार बढ़ेगा। टाइगर के सॉफ्ट रिलीज के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के घुरेला इंक्लोजर की तर्ज पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी करीब 5 से 10 हेक्टेयर का इंक्लोजर बढ़ाया जाएगा। शाकाहारी प्राणियों के लिए 20 से 25 हेक्टेयर का इंक्लोजर तैयार होगा। इसी तरह का करीब 25 हेक्टेयर का बाड़ा शाकाहारी वन्य प्राणियों के प्रजनन और संख्या वृद्धि के लिए भी बनाया जाएगा। जब टाइगर नए वातावरण के प्रति अभ्यस्त हो जाएगा तो फिर उसे पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तब तक बने रहे सरोकार इंडिया के साथ। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।